सर बदला गए ये लिखा तो है अनुसार दुरुस्ती करें डॉक्टर सुधार में आपको आईडी के द्वारा नहीं हो रहा एक बार निर्मल देखो इसमें ऑनलाइन रिकॉर्ड चेंज हुआ है क्या रिचा का ऑर्डर है हां बताओ क्या बात हां ये बता दें यहाँ पर जो एडीएम है श्री जयंत देशमुख जी हर मंगलवार को यहाँ पर जनसुनवाई का उनका कार्यक्रम होता है। कार्यक्रम के दौरान जो साइकड़ा विकासखंड है चिजली विकासखंड है जितने भी विकासखंड यहाँ आते हैं उनके जो नागरिक रहते हैं ग्राम पंचायत में जो परेशान है मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उनके अंतर्गत उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए केंद्र सरकार की योजना का जो उनको जो फ़ायदा मिलना चाहिए उनका उन्हें फ़ायदा नहीं मिल पा रहा तो उसके लिए वह जनसुनवाई में एडीएम श्री जयंत देशमुख जी के पास आते हैं। हम आपको बता दें जब से मैडम एडीएम श्री जयंत देशमुख जी ने यहाँ पर कारोबार संभाला है यहाँ पर एडीएम बनी है जब से यहाँ पर जनसुनवाई में अधिक नागरिक आने लगे हैं क्योंकि उनके द्वारा एक पहल की गई है तुरंत निराकरण के लिए वह काम कर रही हैं चाहे साइकड़ा विकासखंड हो चाहे चिचली विकासखंड हो और गाढ़ावाड़ा तहसील नगर पालिका हो चिचली हो साइकड़ा हो साली चौका हो सभी जगह के नागरिक हर जन सुनवाई मंगलवार के दिन आ रहे हैं। हम आपको बता दें एडीएम श्रेष्ठी जयंत देशमुख जी द्वारा लगातार जनता की खुशहाली के लिए उनको मध्य प्रदेश शासन की जो योजना है उनका लाभ मिलने के लिए केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलने के लिए वह लगातार प्रयास कर रही हैं और गरीबों के हित के लिए काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ जो बैठे हैं गरीब भी बैठे हैं यहाँ अमीर भी आते हैं और बड़े किसान भी आते हैं व्यापारी भी आते हैं सभी आते हैं। तो मैं आज मंगलवार के दिन आप देख सकते हैं ये जनसुनवाई ऊपर एडीएम श्री देशमुख जी की चल रही है वहाँ आया हुआ था। मैं एक बार फिर बता दूँ लगातार जो गाढ़ावाड़ा एडीएम है श्री देशमुख जी उनके द्वारा लगातार बेहतर काम किया जा रहा है। मैं आज गाढ़ावाड़ा तहसील से नरसिंहपुर जिला से पत्रकार विनोद चौधरी।